हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ फिजिक्स गुरु क्लासेस। मैथ फिजिक्स गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का 7.3 के 30 to 24 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले की 1 to 12 क्वेश्चन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में 1 to 12 की वीडियो 7.3 की आप देख सकते हैं, ताकि ये बेटर क्वेश्चन आपको समझ में आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोस टू एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। कोस को कोस में चेंज करो, 1 + cos² x, ओके, माइनस 1 - cos² α अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, और ये dx, ओके। तो अब हम सोल्व करते हैं, इसे प्लस होता है, तो 1 + cos² x माइनस 1 - cos² α अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और ये dx, ओके। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका क्या आया, cos² x माइनस cos² α और ये dx, और ये कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। आपने a² - b² तोड़ देना है, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और ये dx, ये कैंसिल आउट हो गए, आपके पास क्या आया, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा और ये dx। स्प्लिट कर दो इसे, तो इसे स्प्लिट करते हो, कॉस एक्स dx माइनस कॉस अल्फा जो है ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसे बाहर कर दे, कॉस अल्फा और ये dx क्या हो जाएगा, कॉस का होता है साइन एक्स, इसका करोगे तो कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस का सी, आपका ये आंसर हो गया, साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस अल्फा प्लस का सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 की जगह पे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 की जगह पे लिखा है, ओके। और साइन 2 से फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे dx, तो आपने क्या देखा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये dx अपॉन a प्लस b का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ओके dx। ये लेट कर दो, ये आना चाहिए, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू yt, तो कॉस का होता है साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और ये dx इज इक्वल टू dt। तो आपने देखा ऊपर वाला पूरा मैच करेगा, न्यूमरेटर का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर। तो आपने क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ t^-2 dt, t^-2 + 1 / -2 + 1 + c, तो t^-1 / -1 + c, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे -1/t + c, तो यहाँ पे आंसर लिख दो, जो t माना था आपने, -1/cos x + sin x + c, आपका ये आंसर हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। इसे करने के लिए पहले तो tan²(2x)·tan²(sec²(2x)dx, ओके गाइस। फिर यहाँ पे tan² का sec²(2x−1)·tan²(sec²(2x)dx लिख देंगे, ओके गाइस। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, sec²(2x)·sec²(2x)·tan²(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 sec²(
जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x इंटू tan 2x माइनस dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x इंटू tan 2x और ये dx। ओके गाइस, लेट sec 2 sec
2x dx इज इक्वल इक्वल टू t, तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा sec 2x इंटू टेन 2x और ये 2 यहाँ पे और ये dx और ये dt, हाफ को उधर भेज दिया sec 2x इंटू टेन 2x और ये dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 dt। ओके तो यहाँ पे पुट करते हैं इनमें वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर की हो गई टी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी, इतनी वैल्यू मैच कर रही है यहाँ से और ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा माइनस इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हाफ डी टी, यहाँ पे पुट कर देंगे सारी वैल्यू यहाँ पे तो हाफ डी टी आपके पास क्या आ गया हाफ टी क्यू अपॉन थ्री माइनस का हाफ टी प्लस का सी, तो आपके पास टी क्यू की वैल्यू सेक क्यू टू एक्स अपॉन सिक्स माइनस का हाफ सेक 2x प्लस का सी आपका आंसर हो गया। 15 क्वेश्चन कंप्लीट। 16 के लिए आप क्या करोगे यहां पे सेक टेन स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x और ये dx। ओके गाइस यहां पे कर लेना तो सेक स्क्वायर x माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर x और ये dx। ओके गाइस इसे फिर करते हैं sec स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x dx माइनस टेन स्क्वायर x और ये dx। ओके फिर इसके बाद यहाँ पे sec स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस वन dx, इसमें क्या कहते हैं tan x इज इक्वल टू t या sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यहां पुट करते हैं गाइस तो यहां पे क्या हो जाएगा tan x की जगह पे t पुट कर दिया और आपने इसकी जगह पर dt पुट कर दिया और माइनस का इसका करोगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर का होता है tan x और इसका हो जाएगा तो yx आ जाएगा और प्लस का c, अब इसकी प्लस का c, इसकी इंडिकेशन रहती है tq अपॉन 3 माइनस का tan x प्लस का x प्लस का c, tan की या t की वैल्यू कितनी है तो tan x का q tan q x अपॉन का 3 माइनस का tan x प्लस का c आपका आंसर हो गया गाइस। और क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं, इसमें क्या है ये बहुत आसान क्वेश्चन से अलग-अलग कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन क्यू थ्री एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ये डी एक्स, तो इसे कटिंग करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का यहाँ पे करोगे तो कटिंग करोगे तो यहाँ पे आएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे करोगे तो साइन अपॉन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स और ये डी एक्स, यहाँ पे करते हो यहाँ tan x into sec x dx plus यहाँ पे करो तो cot x into cos x dx, इसका होता है फॉर्मूला sec x, इसका होता है माइनस का cos x प्लस का c, ये आपका आंसर बहुत आसान क्वेश्चन। अब इसे करने के लिए क्या करते हैं cos x का फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इसे अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, तो आपने क्या देखा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर का होता है क्या फॉर्मूला tan x प्लस का सी, आपका ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या करते हैं यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स है, इसको अलग अलग करते हैं तो आपके पास क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू
कॉस क्यू एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और ये डी एक्स। ओके गाइस कटिंग करते हैं, ये कटिंग हो गया। यहाँ पे पूरी कटिंग नहीं करनी है, यहाँ पे कुछ बचा के रखेंगे, यहाँ पे एक कटिंग करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ पे कटिंग एक करते हैं, यहाँ पे एक बचा के रखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ओके गाइस तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आ गया टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे आ रहा है क्या, तो वन अपॉन टेन एक्स या जैसे कोटेक्स आ रहा है आपके पास कोटेक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके गाइस तो यहाँ पे टेन एक्स प्लस और ये ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स। ओके गाइस यहाँ पे ये कर लेते हैं, प्लस का लगा लेते हैं और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये डी एक्स। ओके गाइस तो यहाँ पे क्या देखा आपने, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स और ये डी एक्स। ओके गाइस तो यहाँ पे लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा आपके पास t प्लस वन अपॉन टी और ये डी टी। तो आपने टी स्क्वायर अपॉन टू वन बाई टी का लॉग t होता है लॉग t प्लस का c, t की वैल्यू कितनी है आपने यहां से पुट कर देनी है टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर x अपॉन टू प्लस लॉग टेन x प्लस का c, आप इसे राइट डाउन कर लो। ओके क्वेश्चन 20 का नहीं, cos 2x से पहले फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x और ये dx। यहाँ पे हम लगाएंगे तो a प्लस b इनटू a माइनस b लगा देंगे पहले, तो माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x और ये डी एक्स यहाँ लगाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गए। आपके पास क्या आया, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा गाइस, यहाँ स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x और ये डी एक्स। लेट करते हैं इसे, लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, cos की वैल्यू होती है sin x माइनस का प्लस का cos x और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये मैच कर रहा है गाइस। तो यहाँ पे पुट कर देंगे डी टी अपॉन वन अपॉन टी तो लॉग टी प्लस का सी, तो लॉग टी की वैल्यू आपने क्या देखा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस का सी, आपका ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 21 तो आपने देखा साइन इनवर्स, यहाँ पे कॉस एक्स की जगह हम क्या लिखने वाले हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा होता है, यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और ये डी एक्स। साइन इनवर्स आपने ये भी पढ़ा होगा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स और ये डी एक्स, इसे अलग लगा तो पाई बाय टू और ये डी एक्स माइनस का एक्स डी एक्स पाई बाय टू इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस का सी, आपका ये आंसर हो गया। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 22 करने के लिए यहाँ पे हमने इस तरह क्वेश्चन करें, बार याद रखना ऐसा है कोस ए इंटू कोस बी की फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पे साइन से साइन ए माइनस बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी से,
कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स। ओके गाइस, फिर हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो करने के लिए क्या करें, साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ठीक है, याद इसे पहले लिखना है ट्रिक में एक्स माइनस बी माइनस, फिर इसे पीछे लिख देना है एक्स माइनस ए, अपने आप या ए माइनस बी ही बचेगा आपके पास, ये ऐसा बना लिया, और कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स। ओके गाइस, ये ट्रिक याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना, लेकिन पहले इसे लिख देंगे फिर इसे लिख देंगे तो अपने आप ये ए माइनस बी ही बचता आपके पास। तो यहाँ पे वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स। ओके गाइस, अलग अलग करते हैं, वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और ये डी एक्स। आपके पास क्या है, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, इसे करोगे तो कटिंग जो हो रहा है कटिंग कर दो, ये कटिंग होगी, आपके पास क्या है टेन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस माइनस, यहां कटिंग करो तो क्या आएगा आपके पास, क्या आ रहा है, तो कॉस एक्स ये कटिंग होगा आपके पास, क्या आएगा टेन एक्स माइनस ए और ये डी एक्स। ओके गाइस, वन अपॉन साइन ए माइनस बी, यहां पे करोगे तो क्या होता है टेन का माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी होता है फॉर्मूला आपका, इसका माइनस फिर माइनस में आएगा माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए आता है फॉर्मूला, तो आपका क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू लॉग, ये हो जाएगा प्लस का, इसे पहले लिखेंगे लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। लॉग का रूल होता है माइनस में क्या होता है अपॉन में जाता है, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया प्लस का सी। क्वेश्चन 22 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करने के लिए ऐसे क्वेश्चन हमने बार बार क्या किया है, स्प्लिट करके किया है, यहां पे भी करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, कटिंग क्या हो रही है, यहाँ पे कटिंग हो गई, आपके पास बचा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पे कटिंग करोगे तो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, sec का फॉर्मूला क्या होता है tan x, इसका होता है माइनस माइनस का cot x प्लस का c, आपका tan x प्लस का cot x प्लस का c आंसर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर a आंसर हो गया आपका। ओके गाइस, यहां पे देखो तो बिल्कुल सिंपल सा, आप इसे लेट कर लो, इसे लेट कर लो, x into ex is equal to t, तो आपका u into v फॉर्मूला लगा दो, x into ex plus, फिर आपने क्या करना है ex का हो गया ex को रखा और
एक्स का किया तो क्या होता है वन होता है, एक्स का करते हो तो वन होता है और ये डी एक्स आ गया। ओके गाइस, और डी टी आ गया यहाँ पे, ई एक्स कॉमन ले लिया, क्या आपके वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसे पुट कर दो तो आपके पास क्या आ गया, ये सारी वैल्यू ऊपर वाली मैच करिए, डी टी आ गया, नीचे क्या आ गया कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है टेन टी, टेन टी प्लस का सी, टी की वैल्यू कितनी है पुट कर दो ई एक्स इंटू एक्स प्लस का सी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स गाइज। आप इस वीडियो को देखकर कैसा फीलिंग कर रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट में करके बताएं, जितना हो सकता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपको इस तरह की और वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। आपका एक एक शेयर और लाइक हमारे लिए मोटिवेट का काम करता है और हम इस तरह से और भी अधिक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमारी रात दिन एक होती है मेहनत करके, तभी हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। प्लीज इसे जितना हो सकता है शेयर और लाइक करें ताकि मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।